दिल का निभा पाया जाते हैं। इसमें जितना जितना समर्थन करे इसकी एक जो लागू है वो किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करता है। ये समझाता है कि हम एक हैं और एक ही रहेंगे, कि किसी भी धर्म को जहाँ से निकालने का बात नहीं करता। सभी से सभी धर्म से आग्रह करते हैं सभी धर्म के देश में लागू होना चाहिए। हमारे देश के भाई बंधु देश के बंटवारा के समय कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ अफगानिस्तान में रह गए, कुछ बांग्लादेश में रह गए। उन लोगों को धर्म के नाम पर वहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित होकर वहाँ की माँ बहनों को इज्जत लूटते हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो लोग वहाँ से परेशान होकर आज हमारे देश में आए हैं शरण लेने। उन लोगों को नागरिकता देने के लिए CAA कानून लाया गया है। इस कानून का हम सभी समर्थन करते हैं। वे सभी हमारी भाई बंधु हैं, वे बहुत ही दलित हैं, बहुत ही गरीब हैं। उन लोगों को भी अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। उनके पक्ष में जो ये कानून आया है, हम सभी लोग उसी के पक्ष में ये रैली निकाले हैं। भारत माता की। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी है। सबसे बड़ा चीज है नरेंद्र मोदी जो काम एक पर एक कर रहे हैं उसका समर्थन भी करना है। दूसरा है जो अफवाह है 18 करोड़ मुसलमान को कुछ होने नहीं जा रहा है, जो प्रताड़ित लोग हैं हिंदू सिख जैन पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान, हम उसको खाली नागरिकता दे रहे हैं। हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, हम नागरिकता दे रहे हैं। फिर देश को जलाने की जरूरत कौन कर रहा है, देश को बरगलाने की जरूरत कौन कर रहा है? आज उसी के प्रोटेस्ट में कि अगर हिंसा करने वाले देशद्रोही तत्व और भारत को कमजोर करने वाले लोग अगर चेते नहीं तो आज तो ये झांकी है और आगे भविष्य में हिंदू समाज राष्ट्रवादी लोग सड़क पर निकल के इसका प्रतिरोध करेंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। किस समर्थन में निकाले हुए हैं? हिंदू राष्ट्र में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम जय श्री राम। आप समर्थन में है? आजीवन समर्थन में है। हिंदू धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग हर तरह से उछावन करने वाले हैं। हाँ मोदी जी को हम लोगों ने पहचाना है। परम बाबू पत्थर बाबू बांग्लादेश मुसलमान नहीं रह सकता है, पाकिस्तान के कभी मुसलमान नहीं रह सकता है। किस उद्देश्य से निकाले हैं? हम लोग सब एकता है, हिंदू एकता है, कोई भी यहाँ पर मजाक नहीं कर सकता है। के लिए कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो सब बराबर बना रहे और NRC और CAA जो है वो कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो भारत की संविधान के लिए है और भारत की जनता के लिए बहुत अच्छा है। कितने लोगों की भीड़ है, कहां से कहां ये जुलूस जा रही है? ये जुलूस जो है यहां से गांधी मैदान से निकल के टेकारी रोड होते हुए ये रमना आजाद पार्क होते हुए समाप्त हो जाएगी। कहां कितनी भीड़ है इसमें? कम से कम 10-20 हज़ार लोग।
कहीं से कोई दिक्कत कोई परेशानी की सूचना?